आपकी अबिदुल्लागंज की जो बड़ी कर्मठ समिति है, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं कि आप ऐसे संवाद गवा रहे हैं, क्योंकि हम राम सत्ता और ये सांस्कृतिक प्रोग्राम इसीलिए करवाते हैं कि ऐसे शुभ संदेश प्राप्त हो जनता को। बहुत बढ़िया संवाद गौ माता पर आप श्रवण करेंगे। सिद्ध सब तो कलयुग त्रेता द्वापर और सब में माँ का स्थान, माँ के ही बेटे हुए हैं ध्रुव प्रह्लाद समान। और हमारे धर्म हमें ऐसा संदेश नहीं देता कि हम आज अपनी माँ को सड़क पर छोड़ दें। जब तक माँ ने तुम्हें दूध पिलाया तब तक माँ की इज्जत, और इसके बाद अपमान कहाँ का न्याय है। क्या क्या दी कुर्बानी, लेकिन कैसे भैया, ओ बेटा तूने दूध की कदर न जानी। क्या बात, दूध का कर्ज और दूध की कद्र ये जानना बहुत जरूरी है। क्या बात, दूध की कद्र समझो। और गवा ने निशान के लिए क्या क्या दी कुर्बानी, ओ बेटा तूने दूध की कदर। Oh, baby, I'm not afraid.
हिंदू धर्म में ऐसा लिखा हुआ है, अगर घर में तुलसी का पौधा है और गौ माता है तो घर में नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश नहीं करता। आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा रहेगी, सकारात्मक शक्ति रहेगी, नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करेगी अगर घर में गौ माता और तुलसी का पौधा है। गौ माता के पोषण से तेरे घर की शुद्धि होती है, गौ माता के पोषण से तेरे घर की शुद्धि होती है। और जब गौ माँ को तूने माँ माना तो सड़कों पे क्यों रोती है, दूध की कदर न जाने। वाह, आइए भक्ति रस से आप संवाद, भक्ति रस श्रवण करेंगे। तो राजा रानी चल दिए जंगल में है आज, बड़ी पावन कथा कहता हूँ सुनना दे कर। तो हजारों वर्ष है तप किया, तप किया कठोर, किया हरि भजन वहां ध्यान प्रभु की। हमें मनुष्य क्यों कहते हैं? हमें मनुष्य इसलिए कहते हैं कि हम मनु की संतानें हैं। कई सालों तक पृथ्वी पर राज करने के बाद राजा मनु और रानी शत्रुपा को वैराग्य उत्पन्न हुआ, किस नश्वर संसार में कुछ नहीं है। अगर कुछ है तो वो प्रभु के भजन और कीर्तन है, प्रभु को पाना है। हम तो दोनों पति पत्नी वन में भक्ति करने के लिए जाते हैं, कई दिनों तक अन्न और जल का त्याग करके अपनी भक्ति को संपन्न करते हैं। क्या हुआ? प्रभु को सुमल चल दिए हैं मनु, प्रभु को सुमल चल दिए हैं मनु, हमारे भाग्य का
जीवन को दाना है और दर्श प्रभु का पाना है। प्रभु को सुमन चल दिए बिल्कुल साफ सुथरी और बिना चिल्ला चोट सदा बहार दर्ज आप श्रवण कर रहे हैं। कह रहे हैं प्रभु मैंने कई दिनों से आपको सुमरा और अब बिना अन्न और जल के हमारा शरीर सूखकर कांटा हो गया है। अगर आप नहीं आओगे तो प्राण रूपी पक्षी उड़ जाएंगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि शरीर से प्राण रूपी पंछी उड़ जाए। क्या देर ना हो जाए प्रभु देर ना हो जाए देर ना हो जाए प्रभु देर ना हो जाए देर ना हो जाए प्रभु देर ना हो जाए देर ना हो जाए प्रभु देर ना हो जाए अरे देर न हो जाए प्रभु इतनी कठिन तपस्या के बाद पालनहार विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और आकर कहने लग जाते हैं कि हे मनु हे सतरूपा बोलो आपको क्या चाहिए। आकर पूछा तो कहा प्रभु हमें तो आप ही चाहिए। भगवान ने कहा मैं तो एकमात्र हूं। तो बोला आपके समान अगर पुत्र हो जाए भगवान वरदान देते हैं। सुनो सुनो जरा जरा सुनो सुनो जरा और सुन लो प्रभु वचन। अरे गोद हमारी सुनी प्रभु जी दे दो हमें सुनो मेरे वचन और सुनो मेरे वचन दे दो हमें सुनो सुनो मेरे वचन दे दो हमें सुनो मेरे वचन दे दो हमें
सर जोड़ के शीश झुकाए ना कोई न जान न पाए, सर जोड़ के शीश झुकाए ना कोई न जान न पाए, सर जोड़ के शीश झुकाए ना कोई न जान न पाए। और सुनो मेरे वचन को, सुनो मेरे वचन।